September 11, 1893, at Chicago, in America, a congregation of 7,000 learned men and women spontaneously stood up and applauded for full 2 minutes when an unknown monk from India addressed them as "Sisters and Brothers of America" instead of the customary "Ladies and Gentlemen." After this display of spontaneous emotion, the audience sat down and the monk began his extempore speech on Vedanta, the philosophy of Hinduism. The 29-year-old monk mesmerized the gathering with his deep-rooted knowledge on Hinduism and his perspective on world philosophy and other religions. The monk was none other than Swami Vivekananda. The occasion at which the above-mentioned event happened was the first parliament of the world's religion. The first parliament of the world's occasion. What was the occasion? First parliament of the world's religion. World's yani संसार सारे देश के धर्मों का क्या हो रहा था वहां पे. फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन. ठीक है, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहकर संबोधित किया था सभी को, भाइयों और बहनों, इंस्टीड ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन. सभी क्या कहके संबोधित करते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन. बट स्वामी विवेकानंद जी ने सबको क्या कहके संबोधित किया, भाइयों और बहनों. उसके लिए वहां पे उनके लिए 2 मिनट तक सभी ने तालियां बजाई, है ना. वहां पे उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में सभी को बताया, है ना, हमारे धर्म हमारे सिद्धांत के बारे में पूरी दुनिया को उन्होंने शिकागो सम्मेलन में. कब? 11 सितंबर 1893. ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ. Swami Vivekananda was born on January 12, 1853 in Kolkata and named Narendranath Datta by his family. His father was a successful attorney and his mother was known to be a woman of deep devotion and wisdom. Unka janm kahan hua tha? Kolkata mein, hai na? 12th January 1863 ko. He was born on 12 January 1863. His father was attorney and his mother was a deep devotion and wisdom known as, okay, she was a devotee of Lord Shiva. वो किनकी भक्त थी, वो भगवान शिव की भक्त थी. उनकी मम्मी was inquisitive and settled for nothing less than logical explanations to his queries. It is said that he was born with yogic temperament and practiced meditation even as a child. वो क्या करते थे, वो मेडिटेशन करते थे. आप लोग को जैसे पूछते हैं ना ये क्या है, उनको भी बहुत जिज्ञासा होती थी सारी चीजों को जानने के लिए, सारी चीजों के बारे में जानने के लिए. वो क्या, वो भगवान को जानना चाहते थे कि क्या सच में भगवान होते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, है ना. आप लोगों को अगर हम कोई चीज बताते हैं तो आपको भी आप भी जानना चाहते हैं ना कि ये क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है. वैसे ही वो भी सारी चीजों के बारे में जानना चाहते थे, है ना. और वो एज अ चाइल्ड वो क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, है ना. He excelled in all fields of learning, music, gymnastics, study, etc. By the time he graduated from Calcutta University, वो सभी चीजों में बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, पढ़ाई में, है ना, सारी चीजों में बहुत ही अच्छे थे. और उसके बाद वो कहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी, उन्होंने कैलकटा यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, है ना, पढ़ाई. Of course, acquired.
उन्होंने अर्जित की, मतलब उनको बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारा नॉलेज था, ज्ञान था, है ना, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, इतिहास, इन सब के बारे में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था। Who was his guru? Shri Ram Krishna Paramhans was his guru, है ना? गुरु जिनसे हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें, है ना, शिक्षक को भी हम गुरु कहते हैं, लेकिन ये क्या थे, उनके टीचर नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जीवन में, है ना, बहुत ज्ञान दिया, तो वो उनके गुरु थे श्री राम कृष्ण परमहंस। अब हम उनके लाइफ की कुछ स्टोरी पढ़ते हैं, है ना, जिसमें उन्होंने, जिसमें कुछ कुछ इंसिडेंट, घटनाएं हुई हैं, ठीक है, और उनसे हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है, लेट्स सी। As a young girl, the bold and fearless, with an exceptionally with a friend whose family had a champak tree in their compound. The champak flowers are said to be liked by Lord Shiva and were incidentally a favorite of Narendra too. ये स्टोरी है, क्या है, चंपक फ्लावर, एक फ्लावर का नाम है ना, वो भगवान शिव को भी अच्छे लगते हैं और किसको अच्छे लगते थे, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, इनका क्या नाम था, स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, है ना, तो उनके फ्रेंड्स के घर पे वो पेड़ था, तो वो क्या करते थे, उसके पेड़, उसके घर जाके उस पेड़ पे देखो कैसे डेंगल हेड डाउन, वो सिर उल्टा करके क्या हो गए, लटक गए, है ना, तो उनके दादाजी उसको मना करते हैं। लेट्स सी। अप टू डैंगल हेड डाउन फ्रॉम द ट्री, वन डे एज ही वाज स्विंगिंग फ्रॉम द ट्री, द ओल्ड मैन ऑफ द हाउस रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एंड अप्रोच्ड हिम। द ओल्ड मैन वाज अफ्रेड दैट द बॉय माइट फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ और वर्स that he might lose some of his precious champak flowers. He called Narendra down and told him not to climb the tree again. What he told? He told that come down and don't climb the tree again. Okay? But उन्होंने क्या, उनकी बात नहीं सुनी. Okay? Why? Asked Narendra. The old man told him that a Brahmaditya, a ghost of a Brahmin, lived on that tree. The ghost, dressed all in white and terrible to look at, wandered in that area at night. The ghost broke the necks of those who would climb the tree. Narendra simply nodded and said nothing, and the old man went away, smiling to himself in triumph. As soon as he had gone some distance, Naren climbed the tree again and was dangling back in his former position. His friend, who was there all along, cried out, Naren, the Brahmaditya is sure to catch you. Okay, kya hua? Unke dadaji ne mana kiya hai na? Usko wapas, do not climb the tree, he said. Okay. बट नरेंद्र दत्त, उन्होंने क्या किया, उनकी बात नहीं सुनी, वो पेड़ पर वापस आ गए अपनी फॉर्मर पोजीशन, मींस पहले की पोजीशन पे ही वो वापस आ गए पेड़ पर, है ना, तो उसके फ्रेंड ने क्या कहा कि जो ब्रह्मादित्य, ब्रह्मादित्य नाम का घोस्ट, घोस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, भूत, वो आके तुमको क्या करेगा, परेशान करेगा, है ना, बट नरेंद्र दत्त क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, अगर होती तो वो मुझे पहले ही परेशान कर चुका होता, है ना, फिर उसने क्या कहा कि हमें हमेशा दूसरों की कही हुई बात पर
सुनी हुई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? ब्रेक योर नेक, देखो क्या कह रहा है, ही विल कम एंड ब्रेक योर नेक, वो आएगा और तुम्हारा नेक क्या करेगा, तोड़ देगा, है ना? What a silly fellow you are. Don't believe everything just because someone tells you. If the old grandfather's story were true, देखो अब ये दूसरी स्टोरी बता रहे हैं उनके बारे में, क्या हुआ यहाँ देखो, रिसेस रिसेस हुई है और सारे फ्रेंड्स कहाँ बैठे हुए, नरेंद्र दत्त के पास बैठे हुए, है ना? उन्होंने वो उनको एक स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है? आप भी क्या करते हैं जब रिसेस होती है तो आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सर्कल में बातें करते हैं ना, वैसे ही ये देखो ये क्या कर रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद रिसेस ओवर होने के बाद टीचर क्लास में आ जाते हैं, बट इनको पता ही नहीं है कि टीचर क्लास में है, है ना? और क्या टीचर ने पढ़ाना शुरू किया है, देन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। व्हाट यू ऑल आर डूइंग, स्टॉप स्क्रिबलिंग, डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मीनवाइल द रिसेस वाज ओवर and the teacher had entered the classroom and had begun to teach his subject. But the students were too absorbed in Narendra's story to pay any attention to the lesson. देखो क्या हुआ, टीचर आके क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिए, बट सभी क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सभी बातें कर रहे हैं और सब इतनी उसकी कहानियों में खोए हुए हैं कि उन्होंने टीचर की बात नहीं सुनी। बट नरेंद्र दत्त जो थे उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में वो भी उन्होंने सुन लिया और वो बातों में भी लगे हुए हैं। After some time, the teacher heard the whispering. He understood the situation. Visibly annoyed, he had been lecturing on. None could answer. But Narendra was remarkably talented to play. While he had been quite confused to stand up on the bench. पर क्या हुआ, उनके टीचर ने सारे सभी को क्या क्या पनिशमेंट के पनिशमेंट दिया, क्या पनिशमेंट दिया, दैट दे हैव टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो फिर नरेंद्र दत्त ने क्या कहा कि नहीं सर, मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों पनिशमेंट मिलनी चाहिए? बट उनके टीचर ने कहा कि आपने तो सारे आंसर करेक्ट दिए हैं, बट उन्होंने क्या कहा कि ये सब मेरी वजह से बातों में लगे हुए थे, इनको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या क्या होता है, हमें भी ऐसे ही अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना? ये देखो, द टीचर आस्क्ड हिम टू सिट डाउन, बट वो उन्होंने क्या किया, नो सर आई मस्ट ऑल्सो स्टैंड अप। दिस इंसिडेंट टेल्स अस बिलीव्ड इन ऑनेस्टली, क्या है, हमें हमेशा ईमानदार होना चाहिए। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। यस अंश, दोज हू हैव डन दे हैव टू शो। अक्षत, शो मी, अक्षत, माही, माही, अक्षत, अंश, अंश, वेरी नाइस, गुड, यस अंश, गुड, good, yes Risha, well tried,
लक्ष्य